हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपके साथ एक ऐसी खीर की रेसिपी शेयर करूंगी जिसे बनाने में तो बहुत कम समय लगता ही है, बट अगर आप उसे एक बार ही चखेंगे तो आप उसे बार बार खाना चाहेंगे। तो आज मैं बनाऊंगी स्वांग के चावल की खीर, जो कि नवरात्रों के व्रत में खाई जाती है। और इसे बनाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 मिनट लगेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हमें चाहिए स्वांग के चावल, चीनी, दालचीनी पाउडर, दूध और ड्राई फ्रूट्स। सबसे पहले आप कोई भी ऐसा बर्तन या पैन ले लें और उसमें डालें दूध। मैं यहाँ पे 2.5 से 3 कप दूध यूज़ कर रही हूँ। अगर आप उसे ग्लास से नापेंगे तो 2 ग्लास दूध होगा। और जो बर्तन आप यूज़ कर रहे हैं वो एकदम ड्राई ना हो, इस बात का आप ध्यान रखें, हल्का सा गीला हो। सो दूध में आप बॉयल आने दें। जब आपके दूध में उबाल आना शुरू हो जाए तब आप अपनी फ्लेम को एकदम लो कर दें और फिर आप उसमें डालें भिगोए हुए व्रत के चावल या स्वांग के चावल, जिन्हें मैंने 1 से 2 घंटे पहले भिगो के रखा था। और मैं यहाँ पे 1/4 कप या 1/4 कप चावल ले रही हूँ और उसके लिए मैं 2.5 से 3 कप दूध यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि खीर में ये जो चावल हैं वो उबल जाएंगे और फूल जाएंगे। सो आप इन्हें चलाते हुए अच्छे से लो टू मीडियम फ्लेम पे कुक कर लें। आपके जो चावल हैं आपको तब तक कुक करने हैं जब तक कि वो अच्छे से पक ना जाएं। सो आप इसे अच्छे से हिलाते हुए इसे कुक कर लें। चार पाँच मिनटों के बाद आप यहाँ पे देखेंगे जो चावल है वो हल्के से पक गए हैं, बट पूरी तरह से नहीं पके हैं, इसीलिए आप इन्हें और थोड़ी देर के लिए अच्छे से चलाते हुए कुक करें। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा दूध है और चावल है वो एक दूसरे के साथ मिक्स भी हो गए हैं और दूध थोड़ा सा गाढ़ा भी हो गया है। सो इस टाइम पे आप इसमें डाल दें चीनी अपने स्वाद के अनुसार और आप इसे और अच्छे से थोड़ी देर के लिए पकने दें और चीनी को भी अच्छे से घुलने दें। सो और 3-4 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो चावल हैं वो अच्छे से फूल के पक चुके हैं। सो अब मैं इसमें डालूंगी दालचीनी या सिनेमन पाउडर। अगर आप इसे नहीं डालना चाहते तो आप यहाँ पे हरी इलायची को भी कूट के डाल सकते हैं। और उसके ऊपर मैं इसमें डालूंगी ड्राई फ्रूट्स, आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। और इन्हें भी आप अच्छे से मिक्स कर लें और 1 से 2 मिनट के लिए और चलाते हुए पका लें। जो आपकी खीर है वो आप उसे जितना लो फ्लेम पे पकाएंगे चलाते हुए वो उतनी ही अच्छी टेस्टी बनेगी। और जो हमारी खीर है उसमें चावल और दूध एक दूसरे के साथ अच्छे से घुल जाने चाहिए। और आप यहाँ पे देख सकते हैं जो खीर है वो कितनी अच्छी लग रही है और एकदम दूध और चावल एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से घुल चुके हैं। सो मेरी जो खीर है वो बनके बिल्कुल रेडी है। आपको ये व्रत वाली खीर की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस नवरात्रों के व्रत में आप इस खीर की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अब मैं आपसे मिलूंगी एक और नई नवरात्रि स्पेशल रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।